सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर जो आयोजन होने वाला है, यह नाम ही अपने आप में पर्याप्त है। जहां हमारी सभ्यता का आदित्य दुनिया में पहचाना गया, उसी नगरी को विक्रमादित्य के नाम से दुनिया जानती है। विक्रमादित्य का नाम ही पर्याप्त है दुनिया में। किसी को सुशासन की बात कहना हो, किसी को वीरता का नाम बताना हो, न्याय प्रीता का बात बताना हो, दानशीलता की कोई बात करता हो, कितने प्रकार के गुण व्यक्ति में हो सकते हैं, वो सारे के सारे गुण अगर एक व्यक्ति में समाहित कर दो तो जीते जी जो देवत्व धारण कर ले। लेकिन विनम्रता में आज भी वो अपने आप को राजा के बजाय सामान्य नागरिक के नाते से, नागरिक तंत्र की स्थापना के प्रथम पुरुष के नाते से जाने जाते हैं। ऐसे विक्रमादित्य के नाम पर ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन की मैं अपने यहां से उज्जैन से हमारे भारत सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री और हमारे सबके नेता मेरे अभिन्न मित्र माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने बहुत विस्तार से अपने बीच में अपनी सारी बात रखी। एक बार अभिनंदन करें माननीय सिंधिया जी का। इसी मंच पर विराजमान हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, समय के अभाव में मैंने कहा कि थोड़ा समय कम पड़ रहा है, एक बार अभिनंदन करो चेतन जी का। हमारे बीच में रतलाम से आते हैं और लगातार उद्योग मंत्रालय की गतिविधि बढ़ा रहे हैं, और जहां संस्कृति की बात हो, संस्कृति की दृष्टि से कोई कार्यक्रम हो, और वैसे भी हमारे वो बौद्धिक क्षेत्र की हमारी बौद्धिक संपदा के नाते से जाने जाते हैं। धर्मेंद्र जी लोधी, अभिनंदन करें धर्मेंद्र जी का, संस्कृति मंत्री का, सही अर्थों में जिनने मान बढ़ाया है। मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस अवसर पर। हमारे माननीय विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी हमारे लिए उज्जैन उत्तर के विधायक हैं, बहुत लोकप्रिय नेता है, और समादरणीय सतीश मालवीय जी, दूसरी बार के जोरदार विधायक है सतीश मालवीय जी। इस अवसर पर हमारे अपने प्राध्यापक परिवार से आते हुए अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व सांसद वर्तमान विधायक माननीय चिंतामण मालवीय जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। हमारे अपने महापौर मुकेश टटवाल जी, आपका भी अभिनंदन। बहन कलावती दीदी, आपका भी अभिनंदन। नगर निगम के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर हमारे दोनों भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, माननीय बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष ओम जैन जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष माननीय जगदीश अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी, इस अवसर पर प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, हमारे पूर्व विधायक और जुझारू छात्र नेता के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले माननीय राजेंद्र भारती जी, हमारे प्रवक्ता राजपाल सिंह जी, और नाम लूंगा तो उज्जैन में मैं अब छोड़ नहीं सकता माननीय सुल्तान सिंह जी, शेखावत जी नागदा से हमारे बीच पधारे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बहन जी, इस अवसर पर उपाध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ अलग अलग पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार साथियों, सम्मान्य नागरिकगण, भाइयों और बहनों, प्यारे मित्र साथियों, आपने ढोल नगाड़े के साथ जो विक्रमोत्सव पे घंटा नाद किया है, हजारों साल से महाकवि कालिदास ने 2000 साल पहले ऐसे ही घंटा नाद किया, जिसके आधार पर उनकी आज भी दुनिया में तोड़ नहीं मिलता है।